क्या आपको पता है कि इस साल कितने बच्चे नीट का फॉर्म फिल कर चुके हैं? 24,60,000 से अधिक एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। जी हाँ, 24,60,000। जबकि 2022 की बात करें तो 18,72,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 2023 की बात करें तो 20.87 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया। तो इस साल ऑलरेडी 24.6 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है। एंड इवन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी तक नीट का फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, क्योंकि एक इस बार नीट की फॉर्म फिलिंग में एनटीए ने एक बड़ा बदलाव लाया था कि जब भी हम नीट का फॉर्म फिल करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ही आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी के साथ ही रजिस्ट्रेशन हो रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है, और जो दूसरा ऑप्शन भी था वो पैन कार्ड था। 12th वाले बच्चों के पास पैन कार्ड नहीं है। देन डिजी लॉकर का ऑप्शन है, वहां डिजी लॉकर अकाउंट के लिए भी आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांग रहा है। तो बच्चे इस ट्रैप में फंस गए हैं, और उन्होंने अप्लाई भी किया है आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट प्रोसेस में टाइम लग रहा है। ये हम हर साल देखते हैं कि जब लास्ट डेट होते हैं फॉर्म फिलिंग की, तो उस टाइम पे सर्वर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के दिन आप ट्राई करते रहिए, कुछ ही घंटे रह गए हैं फॉर्म फिलिंग में, लास्ट मिनट तक आपने गिव अप नहीं करना है। अगर आपको ओटीपी आ जाता है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, बट डेफिनेटली हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं एनटीए से कि वो फॉर्म एक्सटेंड करेगी। जैसे ही अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है एनटीए से, हम लोग आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो एक साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतने ज्यादा प्रेशर में हैं। एक तरफ से एग्जाम का प्रेशर है, दूसरी तरफ से उनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। हम लोगों ने भी एनटीए को रिक्वेस्ट किया है कि वो इस नीट के फॉर्म की डेट को एक्सटेंड कर दे, एटलीस्ट 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर दे, ताकि वो सारे बच्चे अपने फॉर्म फिल कर सके। एनटीए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज इन बच्चों के लिए आप फॉर्म एक्सटेंड करिए, बट आपको भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है। आप एनटीए की ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां पे जाकर आप जरूर अपनी प्रॉब्लम को ईमेल करिए, ताकि मैक्सिमम से ज्यादा बच्चे इस प्रॉब्लम को एनटीए के साथ शेयर करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ जाए और आप सबका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए।